नमस्कार, जय हिंद। आज करेंगे सीक्वल टाइम पर 8 दिसंबर 2022 में y=1+√3+2। क्यों नहीं दिया था एग्जाम में? एग्जाम में दिया था रूट देन फाइंड 2y4 -8y2 -6y2 -5y4। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग जो है थोड़ा सा नहीं, अगर दिमाग का यूज करें यूज तो इसको छोटा बनाया जा सकता है। कैसे देखो आप, कैसे लग रहा होगा कि यार भाई इतने में बीमार क्यों हुआ, उसकी 4 पावर निकालनी होती है, 3 फिर 2, फिर ऐसे करते रहना 1 घंटा करना, ठीक है? तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले स्टोन को देखो, स्टोन को क्या लिखते हैं, निकालते हैं वाई माइनस y-3 अब आपको लग रहा है उसका भी तरीका है, मैं देख रहा हूँ y स्क्वायर के साथ 4y है, ऐसा मैंने तभी देखा है आज तक, मतलब वाई माइनस टू मिल रहा है इसका स्क्वायर तो नहीं, तब ये चीज़ें आती है स्क्वायर माइनस 4y, तो वाई माइनस टू का स्क्वायर करते हैं, लेकिन देख लो कि वाई माइनस टू है क्या, वाई माइनस टू क्या है 1+√3, टू भी जमेगा, वाई माइनस टू क्या है 1+√3, इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, y तो है हमारे पास, इसका तुम कर सकते हैं, उसको करोगे देखो y क्या है, इसको मैं रूट की बाहर ले रहा हूँ, 1+√3 हो गया, क्योंकि √3 का एक गेम चल रहा है आंसर भी √3 में, वो √3 को बाहर ले गया, ठीक है? तो इसका स्क्वायर को हमने लिया जाएगा 3, लिया जाएगा 1+3+2, ठीक है? कभी ये तो सोचना, या एग्जामिनर कभी चाहता ही नहीं कि आप वाई को
वाई की पावर चार देख कर यहाँ पर वाई की पावर चार देख कभी नहीं देखा, आपको रीअरेंज करना होता है। एलजेब्रा का मतलब ही रीअरेंजमेंट होता है, पता है ना। तो चलिए मिलते हैं, इसका आंसर तो 40 से 50 हो गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।